नमस्कार, मेरे साथ बात करने के लिए दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता। पुनीता, आप दिल्ली आई हैं, क्या कहेंगी, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? जी, मैं कहना यही चाहती हूँ कि मैं भी तो इस देश की नारी हूँ, मुझे भी तो जिंदगी जीने का हक है। मेरे साथ ऐसे अन्याय क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा मत करें। मेरे पति निर्दोष हैं। जब ये घटना हुई थी उस वक्त मेरे पति 15 तारीख को घर पहुंच गए थे, फिर भी उनको दोषी करार करके और मौत की सजा दी जा रही है। इससे मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, मुझे क्यों इस सजा दी जा रही है? मेरे पति को तो फांसी दे देंगे, उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन मैं कैसे रहूंगी? वो तो एक दिन में मर जाएंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी मुझे मरना है। हर जगह सुना गया, पुनीता जो है लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या लगता है कि आपको इस तरह मतलब भाई किसी न किसी वजह से मतलब उनके एविडेंस मिले हैं, मतलब वो थे उस घटना में? नहीं, वो नहीं थे। जब घर पे थे, मेरे पास थे, तो मैं इस चीज़ को कैसे मानूंगी? जब मेरे पास थे वो, तो मैं कैसे मानूंगी? अब क्यों थे? अब तलाक लेना चाहती हैं आप? जी, मैं तलाक लेना इसीलिए चाहती हूँ, अगर जो उनकी जान बीबी बच्चे की कमाने खिलाने में चली जाती, माता पिता की सेवा में चली जाती, अगर जब देश की सुरक्षा के लिए चली जाती, तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उन पर कलंक लगा के जो ये मौत की सजा दी जा रही है, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसीलिए मैं तलाक दे रही हूँ। इसके बाद क्या रहेगा अपना अगला कदम, क्या है, किस तरह, किस शादी करना है दोबारा, क्या करना? जी नहीं, मुझे शादी भी नहीं करना। अगर शादी करना होता तो मैं 8 साल से पति का इंतजार नहीं करती रहती। हमारे अथी में नहीं चलता है शादी और विवाह, किसी तरह से जो भी हो अपने घर में ही, पति के ही घर में गुजारा करना पड़ता है। इसके बाद क्या रहेगा? आप मतलब आप आए भी, मिलने भी बहुत कम आए हैं, वजह क्या है? कोर्ट में या इंतजारन को कोर्ट में मिलने इसलिए कम आए हैं कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, आने जाने में खर्चा होती है, हमारे पास कुछ पैसा कमाने वाला नहीं है। जो कमाने वाले थे उनको तो पकड़ के यही तिहाड़ में बंद कर दिया गया है, तो मेरा कौन कमाने वाला, बच्चा है इतना छोटा है, कौन कमाएगा? मैं कहाँ से मिलने आऊँगी? अगर जो फांसी ही देना है तो मुझे दे दे, उनसे पहले मुझे दे दे, मुझे इतना ना रुलाए मत मारे। मैं भी तो नारी हूँ, मुझे भी तो जिंदगी जीने का हक है। कब मिले थे आप अक्षय से? कब मिले थे? 2 महीना पहले मिली थी। तो क्या बातें हुई थी? क्या बातें होगी, यही सब बातें चल रही है, और क्या बातें होगी? अगर जी उनको स्वीकार किया था कि मैं उस घटना में इन्वॉल्व था या किस? नहीं, कैसे करेंगे? जब वो घर पे थे 15 तारीख के, तो फिर कैसे करेंगे? जब वो मेरे पास थे, गांव पर थे, तो फिर कैसे होगा? तो फिर पुलिस ने क्यों पकड़ा पुनीता, ये समझना, आपको ये भी समझना होगा कि अगर पुलिस हमारे घर पे जाके परेशान कर रहे थे, पकड़े नहीं है पुलिस, हमारे ससुर, हमारे जेठ, चौकीदार के साथ मिलेज को उनको पहुंचाए हैं टंडवा थाना में। जब हम लोग को परेशान पुलिस करने लगी, तब ऐसे नहीं पहुंचाए हैं, पकड़ी भी नहीं है पुलिस। आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? तो कैसे नई जिंदगी, कोई हम लोग राड़ रेयान नहीं है, राजपूत और ब्राह्मण में नहीं है रिवाज, शादी होती है एक बार, डोली उठती है, मायके से अवर्थी उठती है ससुराल से, हमारे अथी में नियम नहीं है ये सब। नहीं, अगर ये सब हुआ है एक्सीडेंट है, ये दोषी पाए गए हैं, देखो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर स्तर पर आपकी बात सुनी है, 7 साल ये मामला चला है। तो 7 साल फिर चला है, तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है? हम भी तो नारी हैं ना। नारी हैं, आप नारी हैं, लेकिन उन्होंने भी एक नारी के साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया। तो मेरे पति जब घर पे थे तो किया कहाँ से, मैं इस चीज़ को जानना चाहती हूँ। जब घर पे थे, मेरे पास थे, तो उन्होंने किया कहाँ से? तो ये थी अक्षय ठाकुर की वाइफ पुनीता, जो आई है दिल्ली और बता रही हैं। आपने सुना, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से कैमरा सहयोगी साक्षी के साथ मनोज शर्मा।